विदिशा के जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर योगेश भरषट ने जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका लगाया। बालिकाओं को जिनके नाम पूर्वी नैन्सी, मुस्कान, बलराम को टीकाकरण के पछताई टीकाकरण कार्ड भी वितरित किया। सर, क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ है जहां पर? अभी जापानी इंसेफेलाइटिस के वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। ये 1 साल से 15 साल तक के बच्चों को लगाए जाएंगे टीके, और ये अभी आंगनवाड़ी पे फर्स्ट वीक में लगाए जाएंगे, और उसके बाद फिर स्कूल में बच्चों को लगाएंगे। कहाँ कहाँ इसकी सुविधा उपलब्ध होगी? सभी अपने सेंटर पे, आंगनवाड़ी सेंटर और जो स्कूल है उनको भी चिन्हांकित कर लिया गया है। स्कूल पे भी जाके वैक्सीनेशन। कितने वर्ष से चालू है? 1 वर्ष से 15 वर्ष तक। कितनी तारीख तक चलेगा सर ये कार्यक्रम आपका? ये सर अभी 1 महीने चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। शुभ नाम क्या है आपका? मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला विदिशा। जी, आज क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ था जहाँ पर? हमारे जिले में आज जेई वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है, जो कि 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। यह कार्यक्रम 2 चरणों में शुरू संपादित किया जाएगा। पहले चरण में कम्युनिटी बेस यानी आंगनबाड़ी पर कार्यक्रम होगा। आंगनबाड़ी में 1 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को जेई का टीका लगाया जाएगा। दूसरे चरण में 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्कूली बच्चों को, 5 साल से 15 साल तक के बच्चों को जेई का टीका लगाया जाएगा। जेई एक खतरनाक, लाइलाज और जानलेवा बीमारी है। इस वैक्सीनेशन ही केवल इसका बचाव है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इस संबंध में ये टीकाकरण पूरे ज़िले में हो रहा है। सभी ब्लॉकों में टीमें बनी हुई, करीब 236 टीम बनी हुई है, और सभी जगह ये वैक्सीनेशन अभी आंगनवाड़ी स्तर पर होगा और आगे जो है स्कूल स्तर पर होगा। ठीक है सर, धन्यवाद।